नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस बाथरूम का आल्ट वॉल आपको काम करके दिखाएंगे और इसमें टोटल कितना बजट गया है, जो कि प्लम्बिंग कॉस्ट फिटिंग का। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। हर एक पार्ट आपको दिखाएंगे और फाइनल फिटिंग तक दिखाएंगे। तो ये मात्र यूट्यूब पर पहला ऐसा वीडियो है जो कि आपको पाइप कटिंग से लेके मार्किंग से लेके कटिंग से लेके फर्सी से लेके प्लम्बिंग से लेके आल्ट वॉल एकदम फिनिशिंग करके आपको दिखाएंगे मात्र इसी वीडियो में। तो वीडियो 8-10 मिनट का होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो इसी वीडियो में अभी देखिए अपना इधर पुराना इधर कैंसिल फ्लैश टैंक था, बेसिन था और यूरिनल भी था, तो क्यों चेंज करना पड़ा, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और कैसे कैसे इस ड्राइंग में काम हुआ है, ड्राइंग के हिसाब से करने का अपने को। तो अभी मार्किंग देखिए, मार्किंग मारा गया है हर एक, इधर अपना 4 यूरिनल है और सॉरी इधर अपना वॉल हैंगिंग कमोड है, जो कि बाएं साइड वॉल हैंगिंग कमोड है, दाहिने साइड अपना 4 यूरिनल है। तो आल्ट वॉल आपको सब क्लियर करके आपको दिखाएंगे। तो अभी मार्किंग हुआ है और मार्किंग करते टाइम आप स्पिरिट लेवल से ही करिए। जो भी पट्टी से अगर काम कर रहे हैं आप, तो इस उसके ऊपर स्पिरिट लेवल रख के फिर आप काम करेंगे ना, तो एकदम आपका लेवल टू लेवल आएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी काम करते हैं मार्किंग, अगर पाइपलाइन का कटिंग करने जा रहे हैं तो अपने को पहले उसको मार्किंग करना है जो कि स्पिरिट लेवल रख के। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी अपने को मार्किंग करना है तो स्पिरिट लेवल से मार्किंग करना है और पहले सेंटर निकालना वाली बात। प्लम्बिंग का कभी भी काम करना है तो आपको फ्लोर का लेवल चाहिए और अपना मार्किंग होना अनिवार्य है। तो अभी कटिंग चल रहा है जो कि ग्राइंडर से कटिंग होने के बाद, और कुछ अपना ब्रेकर से तोड़ा गया है और कुछ हाथ से भी उसको कटिंग किया जा रहा है। और अभी इधर देखिए, अभी कुछ कटिंग हो गया, कुछ बाकी है, अभी ब्रेकर चल रहा है। वही ब्रेकर से कटिंग हो रहा है। इधर अपना वॉलिंगिंग कमोड है जो कि बाएं साइड वॉलिंगिंग कमोड है और दाहिने साइड अपना यूरिनल है। तो अभी पाइपलाइन अपना आल्ट वॉल सभी अभी फ़िलहाल फाइनल है, जो कि नीचे का, तो नीचे का भी लुक आप देख सकते हैं। और इधर अपना संडास और बाथरूम का अलग अलग इधर चेंबर बनाने का अपने को, तो दोनों का चेंबर अलग अलग करके फिर अपना ड्रेनेज लाइन आगे जाएगा। तो संडास का अलग और बाथरूम का अलग, दोनों में चेंबर दिया गया है एक एक। तो अभी इधर अपना संडास और बाथरूम का पाइपलाइन अलग अलग डाला गया है और सब में वाई और सुबेन का प्रयोग किया गया है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और इधर आप वीडियो ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट का अभी नल लगा के आपको दिखाएंगे मात्र इसी वीडियो में। तो वीडियो आप पूरा देखिए। और अपना 1 इंची का पाइपलाइन भी हो गया, जो कि ओवरऑल 12 सब CPVC का ही पाइप है। जो भी अंडरग्राउंड का पाइप है सब CPVC का ही लगा है, क्योंकि कंपनी का काम है तो इसके लिए हाई प्रेशर लगता है, तो इसमें प्रेशर पंप भी लगता है, तो इसके लिए सब अपना 1.5 इंची CPVC का ही पाइप फिटिंग हुआ है। और इसके अंदर जो भी पाइपलाइन हुआ है सब अपना अजय कंपनी का हुआ है। आल्ट वॉल जो भी कंपनी हुआ है सब का सब अजय कंपनी का ही फिटिंग हुआ है। तो अजय कंपनी का भी आप पाइप लगा सकते हैं। तो ये कंपनी भी, जो कंपनी में ये काम हो रहा है, ये भी कंपनी विदेशी कंपनी है, तो जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसी के हिसाब से ये काम हुआ है। तो अभी अपना आल्ट वॉल सब अजय कंपनी का पाइप है। और इधर भी अपना 3 बेसिन लगने वाला है। तो एक एक वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसी वीडियो में आपको फिनिशिंग करके दिखाएंगे। और सब में वाई और सुबेंड का प्रयोग आपसे हमेशा बोलते हैं, वाई और सुबेंड का प्रयोग कीजिए। क्या होता है, वाई और सुबेंड का प्रयोग करने से आपका पानी रिवर्स नहीं मारता है। अगर वाई टी लगाते हैं आप तो रिवर्स नहीं मारेगा, अगर सिंगल आप टी लगाएंगे तो इसमें पानी दोनों तरफ रिवर्स मारता है। तो कभी भी अपना वाई ही लगाइए
और जिधर अपने को अगर सुवेंट आप 45 डिग्री एल्बो अगर जिधर नहीं बैठ रहा है फिर उधर आप 90 डिग्री एल्बो लगा सकते हैं। और जितना हो सके 45 डिग्री ही एल्बो लगाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। अभी इधर अपने यूरिनल का है जो कि इधर सेंसर का यूरिनल लगने वाला है 3। तो हर एक वीडियो का अलग अलग पार्ट आया है लेकिन हम सोचे कि सबका एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे। तो कैसे कैसे काम हुआ है हर एक पॉइंट का और कैसे कैसे पाइपलाइन हुआ है तो ये आदमी देखता है तो उसको शुरू से अंत तक आदमी को समझ में आता है। तो इसलिए हल सब वीडियो एक मिक्स करके बनाया गया है। और इधर अपना वालिंगिंग कमोड का हो गया, सबका पहले सेंटर निकाला गया है फिर अपना पाइपलाइन किया गया है। हर एक बाथरूम का अलग अलग माप रहता है, अलग अलग काम रहते हैं तो उसके हिसाब से सेंटर निकाला जाता है। जितना अपने को पाइप लगने वाला है उतना ही पाइप का कटिंग कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए, ना ज़्यादा ना कम। तो ये बात ध्यान रखिए आप, ना ज़्यादा अपने को कटिंग करना है ना कम ज़्यादा कटिंग करना है, जितना अपने को पाइप लगता है उतना ही कटिंग करना है। और सबका जो भी नल का पॉइंट है अगर एक कंपनी में अगर एक साइड पे जितना आप अगर संडास का आप नल दे रहे हैं तो मिनिमम 12 से 15 इंची संडास का जो फॉर ऊपर टॉप लेवल होता है उससे अपना 1 फीट से 15 इंच पे नल देता है। तो हर एक पॉइंट को आप अगर एक कंपनी में अगर पुराना बाथरूम बनाए तो उसके हिसाब से काम करेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। तो इधर अपना कैंसिल फ्लैश टैंक हो गया जो कि अपना सेरा कंपनी का है। तो इसका तो वीडियो आपके पास आया है तो अभी आप देख सकते हैं और इसको फाइनल भी आपको दिखाएंगे तो कैसे कैसे लगता है आगे प्रोसेस। अभी क्या होता है ना, देखिए अगर आदमी को डायरेक्ट काम दिखाया जाता है तो आदमी को समझ नहीं आता है, अगर एक एक प्रोसेस से काम आदमी देखता है तो उनको पूरा समझ में आता है कि कैसे कैसे अपने को काम करना है और कैसे कैसे अपन काम करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए आप। और जो भी आप कैंसिल फ्लैशिंग लगा रहे हैं उसको लेवल ट्यूब में होना चाहिए। क्या अगर लेवल ट्यूब में नहीं होगा फिर आपको प्लेट लगाने में दिक्कत होगा, फिर आपका ये कैंसिल फ्लैशिंग बाद में प्लेट लगाते टाइम वो तिरखा दिखेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। तो अपने को कभी भी काम करना है तो लेवल ट्यूब में करना है, लेवल पाइप में करना है, लेवल में करना है। और इधर ब्रास सेफ्टी लगा है जो कि इधर दीवार आने की वजह से ब्रास सेफ्टी का प्रयोग किया, इधर ब्रास एल्बो नहीं लगाया गया है। और इसमें क्या होता है ना, जो बाद में सार्क बन जाता है ना कचरा, तो एल्बो के पास नीचे जाम हो जाता है, जो कैंसिल फ्लैशिंग में नीचे जो आउटलेट में रहता है पाइप ना उसमें जाम हो जाता है। बहुत ही ऐसा केस आता है, एक्चुअली महाराष्ट्र में पानी जो खार पानी है इसकी वजह से वो दिक्कत होता है। अभी अपना वालिंगिंग कमोड का जो भी था वो सब फर्सी लग गया। अभी ये वीडियो बनाने में कम हमको 20 से 25 दिन लगाए तो ये बात ध्यान रखिए आप। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि देखने वाले ज़्यादा आदमी हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि अगर आदमी देखता है काम तो उनको समझ में आता है। अगर घर मालिक का कोई भी घर आदमी अगर बना रहा है तो उनको समझ में आता है कि कैसे अपने को काम कराना चाहिए और एक्चुअली कैसे काम होता है। काम करने का भी तरीका बहुत हजारों है और कैसे काम अपने को करना चाहिए जो कि परफेक्ट हो। तो ये अभी वालिंगिंग कमोड का सब फर्जी लगने के बाद तो अभी कैसा लुक दिख रहा है जो कि देखने में खूबसूरत है। और वालिंगिंग का जो अपना 4 इंची का पाइप देख रहे हैं ना तो फर्श से 8 इंची नीचे फ्लोर से नीचे वाला जो एल्बो है ना उससे 8 इंची गैप है। और इसको अभी बगल से सब काटना है जो कि फर्सी लेवल कटिंग होगा। इस फर्सी लेवल बाद में फर्सी लग जाता है उसके बाद एक कटिंग करके फिर अपना इसका
कैंसिल प्लास्टिंग का डब्बा लगाया जाता है। ये चारों तरफ से कटिंग करके अभी अपने को लगाना है। अभी क्या होता है ना, तो ये बात ध्यान रखिए, ज़्यादा अपने को कैंसिल प्लास्टिंग अंदर भी नहीं करना है और ज़्यादा अभी बाहर भी नहीं करना है। तो अभी एक कैंसिल प्लास्टिंग हल्का सा अंदर चला गया है, तो अगर 10 mm 5 mm अगर अंदर चला जाता है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अंदर अपने को नहीं जाना है, चाहिए हल्का बाहर रहेगा। तो मैनेज हो जाएगा, और ज़्यादा अंदर कर देंगे तो फिर आपका दिक्कत होगा। अभी सब बांध काम प्लास्टर फर्सी लगने के बाद रेडी है, बस अपने को अभी नल लगाने का है, तो नल भी लगा के आपको दिखाएंगे। और देखिए इसमें क्या हुआ है ना, सेंडास का डाउन अलग है जो कि लेवल, और यूरिनल का अलग है, तो दोनों का अलग अलग लेवल दिया गया है। और तीनों अपना इधर वालेंगे कमोड ला के रेडी है, बस अपने को अभी फास्टनर पे कमोड है, क्योंकि ये सब वालेंगी जो भी कमोड आप दिख रहे हैं सब वो इसके ऊपर फास्टनर के ऊपर ही है, क्योंकि कंपनी में जो रूल नियम है तो फास्टनर के ऊपर ही उन लोगों का रिक्वायरमेंट था कि फास्टनर के ऊपर ही अपने को कमोड लगाना है, तो इसलिए फास्टनर के ऊपर ही कमोड लगाया गया इसमें। तो फास्टनर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं और अपना चेयर ब्रैकेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि फास्टनर फर्सी लगने के बाद लगता है और चेयर ब्रैकेट जो कि फर्सी लगने के पहले लगता है, तो फास्टनर सबसे बेस्ट आता है। तो अपने ऊपर लगाने का अपने ऊपर है, तो आप जैसा आपका मर्जी वैसे आप लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है अगर अच्छा से बैठ गया तो, बैठाने वाले अगर अच्छा से बैठा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ईजी आसानी से बैठ जाता है। अब इसको जाली कटिंग करना है, अभी आगे लगाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी अपना कमोड लग के रेडी है, और अपने को अभी नल लगाने आए, पहले कमोड लगा लिया था क्योंकि बाद में अगर नल लगा देंगे तो फिर काम नहीं करना बनता है, फास्टनर नहीं लगाना बनता है, तो इसलिए पहले कमोड लगा दिए फिर उसके बाद नल लगा दिए। तो अभी पानी भी चालू हो गया, तो अभी पानी भी चालू कर दिए, तो अभी पानी का भी प्रेशर आप देख सकते हैं। तो मात्र एक वीडियो में ऐसा ही, हमको ये बनाने में बहुत ही दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक वीडियो में कैसे पार्ट वाल सब कवर कैसे करेंगे, तो इसलिए एक वीडियो में सब वीडियो आल्ट वाल जो भी काम था वो एक ही वीडियो में कंट्रोल अपने को सब लेना था, तो इसलिए बहुत दिनों से कोशिश चल रहा था कि एक ही वीडियो शुरू से लेके अंत तक कैसे लाएंगे, तो इसके लिए ये प्लानिंग किया गया था। तो अगर इधर अपना वालिंग कमोड लग के पूरा रेडी है, और अभी आप देख सकते हैं जो कि ऊपर कैंसिल फ्लैश टैंक है, नीचे वालिंग कमोड है, अपना 2A बीप कॉक है और हैंड वॉशेट है, और इधर अपना सेंसर यूरिनल अभी लग के रेडी है, जो कि सेंसर यूरिनल का भी आप पाइपलाइन देखे हैं, और अभी सेंसर काम भी कर रहा है। तो इसमें 4 AB रेडी का बल्ब सेल लगता है, जो कि AB रेडी का ही होता है, 4 AB रेडी का सेल लगता है इसके अंदर। अभी जैसे हाथ लगाएंगे यूरिनल अपना चालू हो जाता है, एक बार फिंगर जाता है तो यूरिनल अपने आप ऑटोमेटिक पानी आता है, चारों का चारों सेंसर यूरिनल अपना फिटिंग हो गया और पानी भी चालू हो गया। तो अभी पाले में और अभी में लुक आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, तो शुरू से लेके अंत तक दिखाने का मकसद यही था कि आदमी देख के आदमी अपना काम करा सके प्रो हल्का अच्छा और बजट में, तो इसके लिए सब ये प्रोसेस करना पड़ा। अगर कोई भी काम में अगर गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।